कि हम सभी जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण शहर के विभिन्न विद्यालयों में ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो आइए हम लोग ऑनलाइन क्लास के माध्यम से वर्ग नवम का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग अध्ययन करेंगे। चैप्टर फर्स्ट फ्रॉम केमिस्ट्री, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। यह आपका वीडियो क्लिप फर्स्ट है। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं और उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन आवर सराउंडिंग्स वी स्टडी अबाउट मैटर्स। सबसे पहला टर्म हम लोगों के सामने है कि मैटर क्या है, पदार्थ क्या है। तो पदार्थ के बारे में हम लोग विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मैटर। तो मैटर के बारे में यहाँ बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, व्हाट इज मैटर। एनी थिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। दुनिया की कोई भी चीज ब्रह्मांड में, इस ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जो स्थान ऑक्यूपाइड करने की कैपेसिटी रखता हो, क्षमता रखता हो, उसे हम लोग मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। कोई भी चीज जो स्थान घेरता हो, और साथ ही साथ उस वस्तु के पास दो कैपेसिटी होना चाहिए। पहला तो वह स्थान घेरने की कैपेसिटी होना चाहिए, स्पेस ऑक्यूपाइज की कैपेसिटी होना चाहिए, और दूसरा उसके पास कुछ ना कुछ मास होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, वजन होना चाहिए, वेट होना चाहिए, तभी वो मैटर हो सकता है। एज एग्जाम्पल यहाँ एक मार्कर रखा गया है, और इस मार्कर को जैसे ही हम बोर्ड पर रखें तो ये इतना दूर क्या किया, स्पेस को ऑक्यूपाइड कर लिया, स्थान को घेर लिया। और साथ ही साथ इस मार्कर को जब हम किसी तराजू पर इसको वेट किए, इसका कुछ ना कुछ तो वजन आएगा, 1 ग्राम भी तो आएगा, 10 ग्राम भी आएगा, हो सकता है 1 kg का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसका वेट। तो इसमें दो कैपेसिटी आया, दो कंडीशन आया। पहला कि यह स्पेस ऑक्यूपाइड करने की क्षमता इसके पास है, और दूसरा इसके पास मास है, द्रव्यमान है। तो अगर ये दोनों कंडीशन इशू हो किसी ऑब्जेक्ट के साथ, तभी वो मैटर कहला सकता है। इसीलिए डिफाइन किया गया कि एनी थिंग, कोई भी चीज़ विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जो स्थान को घेरता हो, एंड हैज मास, और उसके पास क्या हो, मास हो, द्रव्यमान हो, उसी को हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर एयर, साइकिल में हम लोग ट्यूब में हवा डालते हैं, और वह हवा डालने के बाद वह ट्यूब क्या करता है, स्पेस को ऑक्यूपाइड कर देता है, और उसके पास भी मास होता है। ठीक उसी प्रकार वाटर भी स्पेस ऑक्यूपाइड करने की कैपेसिटी रहता है, उसके पास भी मास होता है। आयरन के पास भी ये दोनों फीचर्स है, ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। अल्कोहल के साथ भी, इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके पास स्पेस ऑक्यूपाइड करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है। नोट, अकॉर्डिंग टू एनिशियंट इंडियन फिलोसफर, प्राचीन भारतीय दर्शन शास्त्रियों के अनुसार, प्राचीन दर्शन शास्त्रियों के अनुसार ऑल द मैटर, जितने भी पदार्थ हैं, चाहे वो पदार्थ लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वाज मेड ऑफ 5 basic elements, वह 5 मौलिक कणों से मिलकर बना हुआ है। इस ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं हैं, पुराने संतों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, ऋषि खनार इस चीज़ का खोज किए थे, प्रतिपादित किए थे, तो तमाम वस्तुएं जो हैं इस ब्रह्मांड की, उस सारे पदार्थ की वस्तुएं 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 basic elements में कन्वर्टेड है। आपका वो है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, यही 5 basic elements है। यहाँ तक कि ऋषि कर्नाट ने बताया भी था कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित अधम शरीरा, यही 5 तत्वों में इंसान को जीना है और इसी में मर जाना है, यही 5 basic elements हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाइड मैटर इन 2 वेज, आधुनिक समय के वैज्ञानिकों के अनुसार मैटर को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर,
और दूसरा जो है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर। यहाँ बताया गया कि अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डे साइंटिस्ट क्लासिफाई मैटर इनटू वेज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज, दो आधार पर बांटा गया है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉलिड, लिक्विड, गैस वगैरह के बारे में इसी चैप्टर में अध्ययन किया जाएगा। उसके बाद है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पदार्थ के कणों के गुणों के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्या क्या इसका फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पदार्थ के जो कण होते हैं, छोटे छोटे जो मौलिक कण होते हैं, वो काफ़ी सूक्ष्म होते हैं, बहुत बहुत छोटा होता है। और साथ ही साथ दूसरा प्रॉपर्टी बताया गया कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, इन एक दूसरे के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान रहता है, खाली स्थान रहता है, उसमें मॉलिक्यूल्स फुलफिल होने की संभावना पूरी होती है। और तीसरा फीचर्स है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार जो है, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो लगातार गतिशील होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। और तीसरा जो है, वो जिगजैग मोशन में गतिशील होते रहते हैं, एक दूसरे को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जो है अट्रैक्ट भी करते हैं। और चौथा प्रॉपर्टी जो है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे को जिगजैग वेग में जो है वो अट्रैक्ट करते हैं और अपने गति को जो है निरंतर कायम रखते हैं। यही जो है आपका था करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। दैट्स ऑल विद थैंक्स। HW में आपको अंडरस्टैंड, इसको पूरी तरह से समझ के आप लोग घर से आएंगे। नाइस मीटिंग यू, गुड डे।